नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अलग और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। ये डेंटल फार्मूले का पार्ट सेकंड है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्स, डॉग और पिग के डेंटल फार्मूले के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा डेंटल फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस फार्मूले को ज्ञात करने के लिए हम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार प्रकार के दांत होते हैं एनिमल्स में। तो फार्मूला कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हम एनिमल में इंसाइजर देखेंगे कि इंसाइजर कितने हैं, उसके बाद कैनाइन देखेंगे, उसके बाद प्रीमोलर देखेंगे और फिर मोलर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर के हिस्से के भी और नीचे के तरफ के भी। ठीक है, इनको हमको कुछ इस तरीके से लिखना है। फिर हम इनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस करने के बाद हमें इसको दो से मल्टीप्लाई करना है। दो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या हमारे पास आएगी उसको हमें प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा तो वो होगा कि हमारे एनिमल में इतने दांत प्रेजेंट हैं। एज डिटर्मिनेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनिमल में दो तरीके के दांत होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट। तो हम टेम्परेरी और परमानेंट दोनों आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉग में टेम्परेरी डेंटिशन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है इंसाइजर ऊपर की तरफ आएंगे 3, कैनाइन 1, प्रीमोलर 3 और मोलर 0। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें निचली तरफ की तो इंसाइजर आएंगे 3, कैनाइन 1 और प्रीमोलर 3 और मोलर 0। अब हमने इसको आपस में प्लस कर लेना है। दोस्तों, 3 प्लस 1 4, 5 6 7, यहाँ पर आ गया 7 और नीचे भी आ गया 7। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर आ गया 28। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ बात करते हैं डॉग के परमानेंट टीथ के बारे में। तो गाइस, परमानेंट में इंसाइजर आएंगे 3, कैनाइन आएगा 1, प्रीमोलर आएंगे 4 और मोलर आएंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं निचली तरफ की तो इंसाइजर 3, कैनाइन 1, प्रीमोलर 4 और मोलर 3। अब दोस्तों, हमने आपस में इनको प्लस करना है। 3 तो 1 4, 4 8, 9 10 और निचले की तरफ आप देख सकते हैं 4 4 8 9 10, यहाँ पर 11। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो दोस्तों, 10 दूनी यहाँ पर आ गया 20, 11 दुए 22, तो यहाँ पर 20 प्लस 22 हो गए 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉग में परमानेंट टीथ आएंगे 42। दोस्तों, बात करते हैं पिग के टेम्परेरी फॉर्मूले के बारे में। तो इसमें पहले बात करते हैं, इसमें इंसाइजर आएंगे 3 ऊपर की तरफ। दोस्तों, इसमें कैनाइन आएगा 1, प्रीमोलर 3, मोलर 0। बात करते हैं निचली तरफ की, नीचे आएंगे यहाँ पर इंसाइजर 3, कैनाइन 1, प्रीमोलर 3 और मोलर 0। प्लस कर लीजिए इनको आपस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तक 4, 5 6 7, यहाँ पर आ गया 7 और 7। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 14 प्लस 14। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पिग में जो है टेम्परेरी टीथ आ गए 28। गाइस, अब बात करते हैं परमानेंट की। तो परमानेंट में सबसे पहले इंसाइजर आएंगे 3, कैनाइन 1, प्रीमोलर 4 और मोलर 3। बात करते हैं निचली तरफ की तो यहाँ पर भी इंसाइजर 3, कैनाइन 1, प्रीमोलर 4 और मोलर 3।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको आपस में प्लस कर लीजिए, 3 2 1 चार, चार चार 8 9 10 11। दोस्तों निचली तरफ भी हमारा 11 ही आएगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 11 दुए हो गया 22, निचली तरफ भी हमको 22 ही आएगा, तो 22 प्लस 22 कर लीजिए और यहाँ पर 44 जो है हमारा यहाँ पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं पीक में। टेम्परेरी फॉर्मूला हॉर्स का, तो इसमें सबसे पहले बात करें इंसाइजर की, तो यहाँ पर इंसाइजर आएंगे 3, कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 और मोलर 0। ठीक है फ्रेंड्स, निचली तरफ इंसाइजर 3, कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 और मोलर 0, आपस में इनको प्लस कर लीजिए, 3 प्लस 3 हो गया 6 और यहाँ पर भी आ गया 6, इनको मल्टीप्लाई करना है 2 से। दोस्तों 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 12 आएगा, तो 12 प्लस 12 हो गए 24। तो गाइज यहाँ पर जो है 24 आ गए हॉर्स के टेम्परेरी डेंटिशन। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेल हॉर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल हॉर्स की अब हम बात करेंगे, तो मेल हॉर्स में परमानेंट टीथ की बात करेंगे, तो ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो सबसे पहले आएंगे 3 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर और 3 मोलर। बात करते हैं निचली तरफ की, तो फिर से 3 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर और 3 मोलर। दोस्तों प्लस करें इनको, 3 3 6, 1 7 8 9 10। दोस्तों यहाँ पर भी आ गया 10 और यहाँ पर भी आ गया 10, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो 10 दूनी आ गया 20 और निचली तरफ भी आएगा 20, तो 20 20 हो गए 40। ठीक है दोस्तों, तो मेल हॉर्स में परमानेंट जो डेंटिशन आएंगे परमानेंट टीथ वो 40 आएंगे, ये इसका फॉर्मूला है। दोस्तों अब बात करते हैं मेयर की, फीमेल हॉर्स की, तो इसमें जो है कैनाइन की हम बात करते हैं, तो गाइस इसमें हम इंसाइजर करते हैं पहले, तो इसमें इंसाइजर आएंगे 3, कैनाइन इसमें नहीं आएगा, प्रीमोलर 3, मोलर 3। निचली तरफ की बात करते हैं तो सेम रहेगा, 3 इंसाइजर, कैनाइन 0, 3 प्रीमोलर और 3 ही इसमें मोलर आएगा। अभी आपको इसको प्लस कर लेना है, 3 3 6 9, निचली तरफ भी बिल्कुल सेम रहेगा 9, मल्टीप्लाई कर लें 2 से। दोस्तों 9 9 2 होता है 18 और निचली तरफ भी आएगा आपका 18 18 18 होता है 36 यानी कि 36। दोस्तों फीमेल हॉर्स में 36 परमानेंट टीथ आते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है गाइस।